आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन फॉर द साइंटिफिक प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन। सब्सक्राइब द चैनल एंड आई कैन बेल को हिट करिए, और यदि कोई आपकी क्वेरीज है और कोई आप फर्दर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, बट प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नॉलेज हम इस वीडियो में आपको देंगे। और आज हम बात करेंगे कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल, मतलब कोरोना वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है क्या, इन्फेक्शन के होने से हम बच सकते हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां यदि हम लें, और कुछ क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिसके लेने से हमें प्रिवेंशन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। प्रिवेंशन के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्लेम कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक डेटा जो हमें सजेस्ट करता है, जो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन से एक साल भर में जो दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च हुई है उसको यदि हम देखें और उस पूरी हम स्टडी को, उस रिसर्च डेटा को पढ़ें, तो क्लियर सी बात एक हमारे सामने आती है कि प्रिवेंशन के लिए कुछ WHO ने और जो हमारी जितनी भी रिसर्च हुई है ICMR ने, हमें कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं जो कि क्लिनिकली प्रोटोकॉल, साइंटिफिक प्रोटोकॉल पे बेस्ड हैं, तो आप उसी पर जाएं। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहली प्रिवेंशन है कि आप बचें। आप बचें मतलब आप मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और डिस्टेंस मेंटेन करें। मास्क लगाना उसी तरीके से है जैसे कि आप एक बेल्ट लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बेल्ट लगाने के बाद कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हम सीट बेल्ट जरूर लगाते हैं। और आपने देखा होगा कि गाड़ी हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलाते हैं, सदा हमें समझाया जाता है, बताया जाता है कि दूसरी गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए, अदरवाइज एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोविड प्रोटेक्शन का भी वही प्रोटोकॉल है कि मल्टी लेयर प्रोटेक्शन पे हम जाते हैं। मल्टी लेयर प्रोटेक्शन से मेरा मतलब है जैसे घर में हम गेट लगाते हैं, ताला लगाते हैं, CCTV कैमरे लगाते हैं, फिर हम गार्ड भी रखते हैं, सिक्योरिटी को हम रिव्यू भी करते हैं, तो इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल है। सबसे पहले आप मास्क लगाएं, दूसरा हैंड सैनिटाइजिंग का ध्यान रखें, तीसरा डिस्टेंस मेंटेन करें, चौथा आपका वैक्सीनेशन पार्ट, यानी यदि आप वैक्सीन लगवा चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन इमीडिएटली लें। 99% डेटा हमें सजेस्ट करता है कि कोविड वैक्सीन इज वर्किंग, और कोविड का वैक्सीन लेने के बाद आपको पहली बात इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, दूसरा यदि आपको इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्ड टू मॉडरेट होगा, जिसमें आपको हॉस्पिटल नहीं जाना होगा, जिसमें आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें ICU की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ 3 to 5 days में विद ए नॉर्मल मेडिसिन, विद ए कंसल्टेशन ऑफ द फिजिशियन, आप घर पर ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि क्या कोई दवाई या कोई हर्ब्स कुछ ऐसा है जिससे प्रिवेंशन हो सकता है, जिससे इम्यूनिटी बन सकती है। आंसर इज कम्प्लीटली नो, बट प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स में जो हीलिंग में मदद किया है 2 vitamins ने, और जिन 2 vitamins का बहुत क्रिटिकल रोल देखा गया है हीलिंग में और इम्यूनिटी को, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जब इम्यूनाइज करती है, यानी बीमारी से लड़ने के लिए जब इम्यूनाइजेशन, नेचुरल इम्यूनाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, तो उसमें 2 vitamins का एक क्रिटिकल रोल पाया गया है। मैं उन 2 vitamins का नाम आपको बताना चाहता हूँ, Vitamin C and Vitamin D। वाइटामिन सी, लिमसी, सेलिन या कोई भी माउथ डिजॉल्विंग वाइटामिन सी 1 tablet डेली आप 4 weeks ले सकते हैं। दूसरा वाइटामिन डी, यानी कैल्सिरोल या जितने भी सैचेट्स आते हैं या वाइटामिन डी के टैबलेट्स, जो 1 dose यानी 1 हफ्ते में 1 गोली या 1 sachet मिल्क में डिजॉल्व करके आप वीकली 4 weeks ले लीजिए। दैट इज योर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ये एक प्रिवेंशन होगा, इससे आपके दोनों विटामिन्स का लेवल अच्छा हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन होने की संभावना कम होगी। यदि इन्फेक्शन हो भी जाता है तो विटामिन सी एंड डी एंड जिंक आपके हीलिंग प्रोसेस में मदद करेंगे। तो प्रिवेंशन प्रोटोकॉल में 5 things आई विल सजेस्ट यू, अगेन आई एम रिपीटिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस, वैक्सीनेशन, विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक, प्रॉपर स्लीप एंड फियर फ्री लाइफ एंड फूड ऑन टाइम, दैट इज द ओनली प्रिवेंशन प्रोटोकॉल ऑफ द कोविड 19। अपार्ट फ्रॉम दैट,
किसी भी चीज का कोई क्लिनिकल डेटा नहीं है, कोई रिसर्च बेस्ड बात नहीं है। मिथ से और इन कंफ्यूजन से और सारी चीजों से बचें, एंड प्लीज टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच।